press the bell icon for all updates from Khabri Hindustan. वाराणसी के बाद अब उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के नजदीक ब्रिज में शनिवार को NH-28 पर नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया द्वारा निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिरने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गई। फ्लाईओवर गिरने के बाद मलबे में 2 लोग फंस गए और 4 लोग घायल हैं। यह घटना शनिवार सुबह तकरीबन 7:30 पर घटित हुई। फुट ओवर ब्रिज का निर्माण तकरीबन 28% से ज्यादा पूरा हो गया, इसी दौरान अचानक यह ब्रिज ढह गया। इस घटना की सूचना के बाद मौके पर जिले के DM राजशेखर पहुंचे और जांच के निर्देश भी दिए। यूपी के बस्ती में फ्लाईओवर ढहने के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फ्लाईओवर गिरने की सूचना मिलने के बाद एक्शन लेते हुए तत्काल राहत कार्य शुरू करने और यातायात सुचारू करने के निर्देश दिए। बता दें 15 मई को वाराणसी में हुए फ्लाईओवर हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई थी। योगी सरकार ने इसकी जांच के लिए एक विशेष कमेटी का गठन भी किया। इसके बाद हादसे का जिम्मेदार मानते हुए सेतु निगम के कई अफसरों पर भी कार्रवाई की गई थी। वाराणसी हादसे में जिम्मेदार 7 इंजीनियरों और एक ठेकेदारों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया।